चीन सरकार ने साफ कर दिया है कि उसे अपने मुल्क में रहने वाले 10 लाख लोगों पर कोई दया नहीं दिखानी है। ये वो लोग हैं जो चीन के उस हिस्से में रहते हैं जो विकास से अछूता है। इन लोगों का अपराध उनके जन्म के साथ उनके माथे पर चिपका दिया जाता है। अपराध ये कि ये 10 लाख लोग वीगर मुसलमान हैं, वो वीगर मुसलमान जिन्हें चीन की सरकार आतंकवाद से जोड़कर देखती है। अमेरिकी मीडिया में लीक हुए चीन सरकार के एक दस्तावेज ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। चीन के सितम की नई कहानी। वीगर मुसलमानों पर जुल्म की नई दास्तान। टॉप सीक्रेट दस्तावेजों के पर्दाफाश होने से पूरी दुनिया में खलबली। The New York Times has obtained leaked Chinese government documents that it says reveal new details about Beijing's crackdown on Muslim Uyghurs in the Xinjiang region. चीन सरकार के टॉप सीक्रेट दस्तावेजों की एक फाइल लीक क्या हुई, चीन का एक ऐसा घिनौना सच सामने आया जिससे पूरी दुनिया हैरान है। ये सच है चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों से जुड़ा हुआ, जिनकी जिंदगी चीन ने नर्क से भी बदतर बना दी। उन्हें एक ऐसी जगह कैद कर दिया गया है जहाँ यातनाएं हैं, सितम है और बेबसी। I experienced it myself. We were told ahead of the visits, if any of you speak out, you'll go to a worse place than this. चीन सरकार के जिन दस्तावेजों से पूरी दुनिया में चीन पर सवाल उठ रहे हैं, उसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश दर्ज है। चीन सरकार की लीक हुए दस्तावेज 403 पन्नों का है, जिसमें चीन सरकार के कई फरमान दर्ज हैं। इन कागजों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आदेश भी लिखा हुआ है। ये दस्तावेज चीन में वीगर मुसलमानों के बारे में है, जिसमें सरकार की ओर से यह साफ आदेश है कि वीगर मुसलमानों पर किसी किस्म की दया ना की जाए। चीन सरकार ने वीगर मुसलमानों पर जुल्म ढाने के लिए शिनजियांग प्रांत में कई कैंप बनाए हैं, जहाँ वीगर मुसलमानों को ट्रेनिंग देने के नाम पर जबरन बंद कर दिया जाता है। यहाँ बंद किए गए किसी शख्स के बारे में अगर उसका रिश्तेदार पूछता है तो अधिकारियों को क्या जवाब देना है, ये चीन सरकार ने पहले से ही तय कर दिया है। मेरे रिश्तेदार को बंद क्यों किया गया? आपके रिश्तेदार ट्रेनिंग स्कूल में है। मेरे रिश्तेदार ने कौन सा कानून तोड़ा है? आपके रिश्तेदार अपराधी नहीं थे, फिर भी उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मेरे रिश्तेदार को आप यहाँ कितने दिन रखेंगे? उन्हें कब छोड़ा जाएगा? ये आपके बर्ताव के हिसाब से तय होगा। आपका बर्ताव अच्छा रहा तो उन्हें जल्द रिहा किया जाएगा। अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ कर रहे लोगों को ये खतरा भी बना रहता है कि पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है या फिर उनके रिश्तेदार को जान से भी मार सकती है। गुप्त दस्तावेजों के मुताबिक अफसरों को ये आदेश होता है कि वो ज्यादा पूछताछ करने वालों पर कार्रवाई भी कर सकते हैं या फिर उनके रिश्तेदारों को शिकार बना सकते हैं। आप मेरे रिश्तेदार का गुनाह तो बताइए। आपका व्यवहार उनकी नजरबंदी को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। आप बिना गलती के नजरबंद कैसे कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि तुम उनकी मदद करोगे, क्योंकि ये उनके भले के लिए भी है और तुम्हारे भले के लिए भी। पिछले 3 साल में शिनजियांग प्रांत में लाखों मुस्लिम या तो हिरासत में ले लिए गए या फिर जेल के बिना किसी वजह से सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। इन लीक हो चुके दस्तावेजों से चीन के सितम की ऐसी ही कहानी एक बार फिर सामने आई है। I saw them, 14-year-old girls to 80-year-old women. They take them for interrogation. They would come back and their bodies were bruised, their heads swollen. After 3 months, they put a black hood over my head and took me away. I wish God would free us from the Chinese. The Uyghurs are too weak to resist. There are no Uyghur people left, no people left in our homeland. हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि लीक हुए 403 पेज कैसे इकट्ठा किए गए।
लेकिन इतना साफ जरूर है कि चीन सरकार से नाराज किसी अधिकारी ने इन गोपनीय दस्तावेजों को लीक किया है, जिससे वीगर मुसलमानों के खिलाफ चीन के षड्यंत्र को पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। चीन सरकार चौतरफा घिर गई है। अपने बचाव में चीन ने इन दस्तावेजों का खंडन कर दिया है और ट्रेनिंग स्कूलों का बचाव किया है। चीन में वीगर या किसी अन्य समुदाय के साथ किसी तरह का बुरा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। कैंप में रखे गए लोगों को इस्लामी कट्टरपंथ और अलगाववाद से दूर रहने की शिक्षा दी जा रही है, साथ ही उन्हें हुनर सिखाए जा रहे हैं ताकि वो बेहतर जिंदगी जी सके। चीन के लीक दस्तावेज पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। चीन सरकार इन पर चौतरफा घिर चुकी है क्योंकि चीन पहले से ही वीगर मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर काफी बदनाम है।